हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण क्या होता है उसको तो हम आज जानेंगे। उसमें हम रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट को भी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको जानने से पहले लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक फैक्ट, जिस अपन ने बहुत ही बिगिनिंग में हमने पढ़ा था, बहुत पहले हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। तो उसमें इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम उसी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखिए, जैसे आप हमेशा किसी प्रोडक्शन को लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन को यूटिलाइज करते हैं और प्रोडक्शन लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट जिसको हम बोलते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, उससे हमको मिलता है आउटपुट। आउटपुट या उसको हम इनकम बोल सकते हैं या फिर उसको हम वेल्थ बोल सकते हैं। जब उस हमारे आउटपुट को मार्केट में बेचेंगे तो हमको इनकम और वेल्थ जनरेट होगा। तो उस वेल्थ को, उस इनकम को या उस आउटपुट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें उसी को हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट, इनकम और वेल्थ अमंग द इंडिविजुअल और अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल कोई पर्सन हो गया या फिर वो कोई फर्म हो गई या फिर वो कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन विच वी डिस्ट्रीब्यूट द और आउटपुट और इनकम और वेल्थ। तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ वेल्थ दैट इज प्रोड्यूस्ड अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमने वेल्थ प्रोड्यूस किया, जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसको डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे जो है शेयर करें उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है डेफिनेशन दे रखिए, आपको बुक में और भी कोई लैंग्वेज मिल सकती है। बट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम और वेल्थ, जो कि हमने वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेसिकली टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द कंट्री। जो हमारा वेल्थ है, जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा नेशनल इनकम है, उसको हम जो हमारी सोसाइटी के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल अमंग द सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पे हम एज ए होल नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये रिलेट करता है द फोर्सेस गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग द वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी या इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश के इंडिविजुअल्स है, जो आदमी है, उनमें वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री इज नोन एज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि आपने कौन सा फंक्शन को परफॉर्म किया और कितना कंट्रीब्यूट किया, उस हिसाब से आपको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स अकॉर्डिंग देयर फंक्शन
performed in the production process, मतलब production process में कितना contribute किया, तो this is the functional distribution. यहाँ पे हम individuals को distribute नहीं करते हैं, मिसाल income को या output को या wealth को, यहाँ पे हम जो factors of production है उनको distribute करते हैं, ठीक है. तो this is the functional distribution. इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि it explain that share of total income, national income received by each factors of production like rent, wages, interest and profit are rewarded for the service of the land, labor, capital and organization respectively. कहने का हमारा मतलब है जो हमारे different factors of production है उनको हम जो है यहाँ पे जो हमारा national income उसको distribute करते हैं, उनको rewards देते हैं कि आपने production process में contribute किया है, तो उस contribution के एवज में हम आपको ये rewards दे रहे हैं. रिवार्ड क्या होता है, लैंड के लिए रेंट हम देते हैं और लेबर के लिए हम वेजेस देते हैं, और अगर हम किसी को पैसा देते हैं, कैपिटल देते हैं, मनी देते हैं, तो उसको हम इंटरेस्ट जो है पे करते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट एज ए रिवार्ड हम देते हैं. तो दिस इज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम बात करते हैं जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन का मेनली जो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो लैंड को क्या हम देते हैं, लेबर को क्या देते हैं, कैपिटल को क्या देते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योर उसको क्या देते हैं. यहाँ पे इसको हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट बोल लीजिए या डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल लीजिए. सबसे पहले जो यहाँ पे आता है वो आता है रेंट. रेंट क्या है, रेंट इज अ रिवार्ड फॉर द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द लैंड. लैंड को हम यूज करते हैं उसकी फर्टिलिटी को यूज करते हैं, उसके बाद में हमको क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, ठीक है. अभी रेंट जो है चार प्रकार का होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेंट का, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, और जो आपके कम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक रेंट क्या है, क्वासी रेंट क्या है, स्कर्सिटी रेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या है, ये आपको एक बार देख लेना है. तो उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रेंट है वो है इकोनॉमिक रेंट. इकोनॉमिक रेंट इज नथिंग बट रेंट रिसीव्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज ऑफ लैंड ओनली. हमने कोई जगह को यूज किया और उसके बाद में हमने कुछ पैसा दिया, उसको हम रेंट बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेंट. कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या होता है कि हमने किसी पर्टिकुलर लैंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया. इट इंप्लाइज द मनी पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड फॉर कल्टीवेटिंग द लैंड इन अ गिवन ईयर. क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई हम एक साल की आपको आपके जमीन पे खेती करेंगे. जो फार्मर्स होते हैं वो लैंडलॉर्ड होता है उसको रेंट पे करते हैं कि एक साल में आपकी जमीन पे खेती करेंगे, उसके लिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके रेंट देते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट, और ये जो है आपकी इकोनॉमिक रेंट का पार्ट है. एक होता है क्वासी रेंट. क्वासी रेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द इनकम अर्न वाई द डिमांड फॉर असेट्स इंक्रीजेस सडनली. जो कोई किसी असेट्स का वैल्यू जो है अचानक से या उसका डिमांड जो है अचानक से बढ़ जाए, सडनली अचानक से बढ़ जाए, तो उससे जो इनकम होती है उसको हम क्वासी रेंट बोलते हैं. क्योंकि बिल्डिंग्स हो गई है, वो जब देखते हैं कि अचानक किसी पर्टिकुलर सीजन में जो है बिल्डिंग्स की या मशीनरी की या इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी अचानक डिमांड बढ़ जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, उसका वेट अचानक बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो इनकम आता है उसको बोलते हैं क्वासी रेंट. एक होता है स्कर्सिटी रेंट. ठीक है, स्कर्सिटी रेंट क्या होता है, इट इज रेंट विच अराइजेस ड्यू टू द स्कर्सिटी ऑफ लैंड इन रिलेशन टू द सप्लाई, इन रिलेशन टू द डिमांड. उसकी डिमांड ज्यादा लेकिन उसकी सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि लैंड की सप्लाई तो हो नहीं सकती क्योंकि कंप्लीटली जो है इनइलास्टिक इन नेचर होता है. मतलब आप उसको प्राइस कितना बड़ा तो लैंड उतना ही रहेगा, लैंड तुम कहीं से बढ़ा नहीं सकते. जो स्केर्सिटी की वजह से रेट आपको मिलता है उसको बोलते हैं आप स्केर्सिटी रेंट. दिस इज अ सरप्लस रेंट ओवर द मार्केट रेंट फॉर लैंड ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर लैंड. क्योंकि जमीन की जो है वैल्यू बढ़ गई है, जमीन की जो डिमांड वो बढ़ गई है और सप्लाई है नहीं, तो उसकी वजह से यह है सरप्लस जो रेंट लगता है, जो पहले आपको 10,000 में मिल रहा था वो 15,000 में मिल रहा है,
जो 5,000 है ये आपका स्कैर्सिटी रेंट है, जिसे सरप्लस रेंट ओवर द मार्केट रेंट, जो नॉर्मल मार्केट रेंट है या जो इकोनॉमिक रेंट है उसके ऊपर में जो हम सरप्लस रेंट देते हैं उसको बोलते हैं स्कैर्सिटी रेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा कि रेंट जो है 4 प्रकार का होता है। अब बात करते हैं वेजेस। वेजेस क्या होती है, जब हम चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या चाहे कोई कंस्ट्रक्शन काम हो, जब हम किसी मजदूर को अपने यहाँ पे काम पे रखते हैं तो उसको उसके एवज में कुछ पेमेंट देते हैं, उसी को बोलते हैं वेज। वेज इज द प्राइस पेड टू लेबर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमें कुछ भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जो मजदूर लगते हैं उसको जो हम पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेज। और जब कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हम जॉब कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सैलरी। ठीक है, तो वेजेस भी 2 प्रकार का होता है, नॉमिनल वेजेस और रियल वेजेस। नॉमिनल वेजेस क्या होता है, इट इज वेजेस पेड इन टर्म्स ऑफ मनी एट करंट प्राइसेस। लेबर आपके पास काम करने आया और सामने जो करंट मार्केट रेट है 300 रुपये सपोज है तो 300 रुपये उसको दे दिया, दिस इज नॉमिनल वेज या मनी वेज भी इसको बोलते हैं। और रियल वेज क्या होता है, रियल वेज जो है उसका परचेजिंग पावर को जो है इंडिकेट करता है कि आपने जो मनी वेज दिया, जो आपने 300 रुपये दिए उसका मार्केट में परचेजिंग पावर कितना है उसको बताता है ये। ठीक है, इट मीन्स ट्रांसलेशन ऑफ मनी वेजेस इनटू रियल टर्म्स या इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज दैट मनी कैन बाई इज नोन एज रियल वेज। 300 रुपये दिया, 300 रुपये में वो क्या चीज खरीद सकता है, उसका मार्केट में जो परचेजिंग पावर है उसका क्या है, उसको बोलते हैं रियल वेज। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट की। जब हम बिजनेस करें या कुछ भी काम करें तो हमको लोन की जरूरत पड़ती है, और जब लोन किसी से लेते हैं और इसके बदले में जब हम उसे एक्स्ट्रा मनी देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट इन सिंपल टर्म्स। तो इट इज द प्राइस पेड बाय द बोरोवर ऑफ मनी टू इट्स लेंडर। जो लेंडर है उसको हम कुछ मनी एक्स्ट्रा मनी पेमेंट करते हैं क्योंकि हमने उससे पैसा लिया था, उस पैसे के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। वी कैन से दैट इट इज अ रिवार्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। आपने किसी दूसरे के कैपिटल को, दूसरे की मनी को यूज किया था, उसके बदले में आपको रिटर्न या रिवार्ड देना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट। और ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट 2 प्रकार का इंटरेस्ट होता है। ग्रॉस इंटरेस्ट क्या होता है, ग्रॉस इंटरेस्ट रेफर्स टू द एंटायर पेमेंट मेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन रिसीव्ड फॉर अ पीरियड। कोई आदमी जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन लेता है किसी से, और उस जो लेंडर है उसको बदले में वो पेमेंट बनाता है, कुछ पेमेंट देता है इंक्लूडिंग जो है आपका इंटरेस्ट और उसका रिस्क और इनकन्वीनियंस और मैनेजमेंट, इन सबका भी वो जो है इंटरेस्ट जो है जोड़ लेता है, या उसका बोले कि उसकी वैल्यू भी वो उसमें ऐड हो जाता है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी, जो मनी को यूज करने का पेमेंट इसमें नहीं होता, बल्कि जो रिस्क होता है लेंडर को, रिस्क होता है ना कि उसे पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो रिस्क प्लस इनकन्वीनियंस, क्योंकि आपका पैसा आपके पास चला गया, आपको असुविधा हुआ कि आप कहीं भी काम करने वाले थे तो आप उसको नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट, ये पूरा जो मैनेजमेंट वो करता है लेन देन का, उसमें भी जो है उसका भी वो उसमें वैल्यू जोड़ लेता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट। और नेट इंटरेस्ट क्या होता है कि ये जो फालतू के जो जोड़ा हुआ रिस्क का, इनकन्वीनियंस का, ये सब उसको निकाल के, और जो नेट यूज नेट पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी जो होता है वही उसका जो है नेट इंटरेस्ट कहलाता है। इट इज द पेमेंट प्योरली मेड फॉर द यूज ऑफ मनी, दिस इज द नेट इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एंटरप्रेन्योर या कोई इंडिविजुअल जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारे फैक्टर्स को, प्रोडक्शन को कंबाइंड करके, रिस्क लेके, और वो उसको मैनेज करके पूरा बिजनेस चालू करता है और लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। इसमें उसको कुछ एफर्ट्स लगता है, उस एफर्ट्स को हम जब रिवार्ड देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में जो प्रॉफिट होता है वो प्योर प्रॉफिट होता है, उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं, जस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स रिवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन ऑफ मेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। जो डिसीजन मेकिंग करता है, जो रिस्क और खतरा वो मोल लेता है, उसका रिवार्ड होता है बेसिकली। ठीक
तो ग्रोथ प्रॉफिट भी दो प्रकार का होता है, यू कैन सी हियर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चीज से बनते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे रेंट का और टाइप्स ऑफ रेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हर जगह। आपको एंड टर्म एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसमें भी आता है, और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी आता है, JRF और जो आपका नीटा वगैरह होता है, उसमें इसके क्वेश्चन। रेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन भी आपको डेफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए एक क्वेश्चन बनता है। बाकी आपसे वो पूछ सकता है कि प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ग्रोस इंटरेस्ट क्या होता है, वेजेस क्या होता है, नॉमिनल वेजेस क्या होता है। यू कैन सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कमिंग योर एग्जामिनेशन। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जस्ट कन्वीनियंस, फॉर जस्ट योर इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक